जय भीम साथियों, मैं मंजीत रजक वॉइस 85 से आज सावित्रीबाई फुले एकेडमी में हूँ। और आज हम यहाँ अपने कुछ यहाँ स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जिनका चयन इस नए बैच में हुआ है और ये अगले 10 महीने तक हमारे साथ सावित्रीबाई फुले एकेडमी में IAS और PCS की तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सावित्रीबाई फुले एकेडमी में अगले 10 महीने रहने वाले हैं, आपको यहाँ का माहौल और यहाँ के जो लोग मिले उनसे क्या अपेक्षाएँ? हमें अपेक्षाएं तो उन्हें भी हमसे हैं और हमें भी उनसे हैं, लेकिन वो इतना हमारे लिए कर रहे हैं, इतना अरेंजमेंट करा है, अब तो सारी एक्सपेक्टेशन हम पर है। जो उन्होंने देना था वो तो सब उन्होंने दे दिया, अब तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो वो इतना कर रहे हैं तो हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतर पाएँ, हम अच्छे से पढ़ें। वो तो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, अब हम अच्छे से पढ़ें और नाम रोशन करें अपने माँ बाप का भी और यहाँ का भी। आप लोग यहाँ पे कुल 30 के स्टूडेंट्स हैं जिसमें से आप लोग 20 लोग यहाँ इस रहेंगे और बाकी 10 लोग डे स्कॉलर के तौर पे रहने वाले हैं। सो, आप लोग अलग अलग शहरों से आए हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार अपना नाम और आप किस जगह से आए हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा नाम आरती है, मैं दिल्ली से ही आई हूँ। मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अभी बस एक गोल किया है कि जो मैं करना चाहती हूँ, मीन्स अपने गोल को अचीव करना चाहती हूँ, एंड दोबारा जब मैं कुछ बन जाऊँ तो मैं अपनी सोसाइटी को इसी तरीके से कुछ पे कर सकूँ। थैंक यू। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक इनिशिएटिव सावित्रीबाई फुले एकेडमी का जो स्पेशली सिर्फ गर्ल्स के लिए UPSC कोचिंग कराता है और ये अलग अलग शहरों से आई हुई है, इनके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया जाए। यहाँ पे हम इनसे पूछेंगे कि किस तरीके की टीचर्स की फैसिलिटी और किताबों की फैसिलिटी कैसी है, क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उसमें फैकल्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो फैकल्टी के लिए आप यहाँ क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर फैकल्टीज़ के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स अवेलेबल हैं, और जहाँ तक बुक्स और ये मैगज़ीन पेपर की बात है तो हॉस्टल में पेपर्स आते हैं और ये लाइब्रेरी में सभी प्रकार की बुक्स हैं और हर सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और टीचर्स भी सारे ही हैं और जो हर सब्जेक्ट को अलग अलग डिस्क्रिप्शन करेंगे, हम लोग को पढ़ाएंगे। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे नव चयनित IAS दो हमारे ऑफिसर आए थे, उन्होंने स्टूडेंट से बात की, एक मोटिवेशन दिया इन लोगों को, तो उसके बारे में पूछते हैं कि उनको आज का ये सेशन कैसा लगा। जी, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है और कैसे किस पॉइंट से पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स उठाने हैं या किस तरह हमें अपनी प्रैक्टिस को आगे चलाना है और हमें अपने गोल को अचीव करना है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ बताई, हमारे साथ शेयर करी और आगे उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले प्रीम की तैयारी करनी है, फिर मेंस की तैयारी करनी है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे वे फॉरवर्ड करते हैं और आगे IAS और PCS की तैयारी करके एक अच्छे से बनते हैं IAS और PCS ऑफिसर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो गर्ल्स स्टूडेंट है ये कितना कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड हैं, और किसी भी सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत शिक्षा से होती है। कल को ये लोग जब नए IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर बनेंगे तो मुझे और हमारे पूरे समाज को पूरा भरोसा है कि ये भी हमारे समाज के लिए मिशन पे बैक टू के लिए अपना इनिशिएट लेंगे और सोसाइटी में पे बैक करेंगे। थैंक यू। जय भीम।